कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन, इसके दरमियान जयगांव एवं आसपास के इलाकों में खानपान की सामग्री की कमी ना हो, इसके लिए खास नजर दिया जा रहा है प्रशासन द्वारा। दूसरी ओर भूटान भी खानपान की सामग्री जुटाने में लगे हैं। हर रोज जयगांव होते हुए भूटान में खानपान की सामग्री सप्लाई जोरों से चल रही है। जयगांव एवं आसपास के इलाकों में खानपान की सामग्री की कमी ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन, कस्टम विभाग एवं एसएसबी के मंजूरी एवं निगरानी में भूटान में सप्लाई करने दिया जा रहा है। एक निर्देश तालिका के अनुसार, ताकि पता चले बाहर देश में कितना खानपान की सामग्री जयगांव होते हुए सप्लाई हुआ। पर इस विषय में शनिवार सुबह लगभग 1:30 बजे देखा गया, दो प्याज भरे गाड़ी बिना कस्टम विभाग की मंजूरी के बिना भूटान में घुसा। वह गाड़ियों के पास कोई भी सरकारी कागज नहीं मिला सप्लाई करने के लिए, दुकान के रसीद के अलावा। इस विषय में सप्लायर से पूछने पर क्या बताए, आप सुनिए। ये कहाँ से भेज रहा अभी सामान सब? हम लोग तो गांव से लेकर आए हैं। कौन गांव से? धूपगुड़ी से। धूपगुड़ी से भूटान भेज रहा है? भूटान हम लोग भेज रहे हैं। हम लोग अथॉरिटी है भेजने का? हमारे पास दुकान है, सब दुकान खुला करना पड़ेगा। इसमें कस्टम से बताया है सामान भूटान में जा रहा है? ये तो पॉलिसी लोग बताया नहीं, किसी ने नहीं बताया। तो नहीं मिलेगा आपको? जान नहीं देगा।